जाने वाला है। चलो फटाफट से ज्वेलरीज बनाते हैं जो इंडिपेंडेंस डे के आउटफिट पे पहन सकते हैं। सो आपको लेनी है 3 कलर की बीड्स, सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन, और इस तरह से इयररिंग्स में डाल देना है। अरे दीदी, ये बीड्स भी ना जल्दी हाथ से फिसल जाती है। सो इस तरह से हम जल्दी जल्दी से अपनी इयररिंग्स रेडी कर लेंगे विद इन 2 मिनट्स। सो फाइनली हमारी इयररिंग्स रेडी हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अच्छी लग रही है ना? यहाँ पे एक इयररिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ते हैं नंबर 2। और हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल सी, गेस व्हाट, रिंग। यहाँ पे ले रहे हैं हम मॉडलिंग क्ले और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल एंड ब्यूटीफुल सी रिंग, एक्चुअली अ मिरर रिंग। यहाँ पे फटाफट से हम अपने फ्लैग के कलर की क्लेज निकाल लेते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में क्ले को कट करके राउंड एंड राउंड 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 करके हल्का सा कोने में कॉनिकल शेप देके उसे हल्का सा टैप कर देंगे। इस तरह से फ्लैग की पेटल रेडी कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ क्ले टूल हम इस तरह से थोड़ा सा प्रिंट कर देंगे डिजाइन। हम लेंगे एक बकरम शीट, एक मिरर को सेंटर पे पेस्ट कर देंगे एंड साइड साइड में हम फेविबॉन्ड का यूज कर रहे हैं और इस तरह से सभी पेटल्स को अच्छे से पेस्ट कर देंगे। आप चाहे तो मॉडलिंग क्ले की जगह मोल्डेड क्ले का यूज कर सकते हैं बिकॉज मोल्डेड क्ले हार्ड होती है एंड मॉडलिंग क्ले सॉफ्ट होती है। यहाँ पे हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है और हम लेंगे अब आर्डन की रिंग, ग्लू गन की हेल्प से अपने फ्लावर को रिंग पे पेस्ट कर देंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिंग तैयार हो चुकी है। इट्स लुकिंग डैम प्रिटी ना? So, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए आपको ये रिंग कैसी लगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो फटाफट से कमेंट्स में ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन कलर के हार्ट्स भेजिए। अब बढ़ते हैं नंबर 3 ज्वेलरी की तरफ। सो आपको लेना है एक पंच शीट, साइज आप कुछ भी रख सकते हैं, हल्का सा आप लेंथ एंड विड्थ को छोटा रखिएगा। और बचपन में कोई क्राफ्ट किया हो ना किया हो, लेकिन ये चीज तो जरूर की होगी। कुछ याद आ रहा है आपको? इस तरह का फैन, हवा हवाई, हवा हवाई। इस तरह से 2 फैंस रेडी कर लेंगे और अब उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली पेंट कर लेंगे। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक्रिलिक कलर, बहुत ही थिक कलर से हम अपनी इयररिंग्स को पेंट कर देंगे। आप चाहे तो किसी भी पैटर्न में पेंट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम पेंट कर देते हैं। तब तक के लिए आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो यहाँ पे हमने पेंट कर लिया है और इनको ड्राई कर लिया है। अब लेंगे हम जंप रिंग्स एंड हुक्स और दोनों ही इयररिंग्स में अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम जंप रिंग अटैच कर देंगे और उसी में ईयर हुक को फंसा देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। सो रेडी हो जाएंगे हमारी ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स। बस एक छोटा सा वर्क और बचा है। अब इसमें अटैच कर देंगे हम एक एक बीट्स। तो यहाँ पे ले लिया हमने पर्ल्स, फेवी बॉन्ड की हेल्प से हम दोनों इयररिंग्स में एक एक पर्ल सेंटर पे अटैच कर देंगे और फिर रेडी हो जाएंगे हमारी बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स। ओह गॉड, फिर गिर गई। पता नहीं पर्ल को मेरे से प्रॉब्लम क्या है, बार-बार टप 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 टप। सो फाइनली हमारी प्रिटी सी इयररिंग्स रेडी हो चुकी हैं। मिलके गाए वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। बाय 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 बाय। अच्छा फाइनली बाय। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी कहाँ, सब्सक्राइब करके जाओ।